हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इमेजिन लाइफ विद मी। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे सर्दी समय अच्छी खासी हो रही है। मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ मिक्सी। वैसे तो बाहर धूप निकली हुई है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। धूप में बैठो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत समय तक धूप में भी नहीं बैठा जा सकता है, बहुत से काम रहते हैं। तो मेरे सभी काम लगभग घर के हो चुके थे और आज मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ मिक्सी की, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। क्या होता है, जार तो हम तुरंत ही कुछ भी पीसे या कुछ भी काम किए उस जार में, तो उसको तो तुरंत ही हम लोग साबुन पानी से सब धुल देते हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। बट मशीन की डीप क्लीनिंग कभी कभी करती हूँ मैं या हो पाती है। वैसे तो कोई चीज़ें, जैसे कोई चीज़ हमने ग्राइंड किया या पीसा या कुछ भी किया तो तुरंत हम साफ़ कर देते हैं, अगर कुछ भी गिरा जार पर, मिक्सी पर, मशीन पे। तो एक्चुअली किचन में होती है तो कई बार ग्रीसीनेस लग हो जाता है या हम किस तरीके के हाथों से भी टच कर लेते हैं तो उस तरह के स्टेन, हल्दी के स्टेन या चिकनाई के स्टेन, ये सब चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं इसको कॉलिन से साफ़ करें, कॉलिन से साफ़ कर दो तो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। और जब कभी कोई स्टेन नहीं साफ़ होता है कॉलिन से भी, तो मैं बर्तन मांजने वाले साबुन से हल्का सा जूने में लेके उससे भी रगड़ देती हूँ, बाद में कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। तो इस तरीके से साफ़ करते रहने से हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी एकदम नए के नए बने रहते हैं और हमें देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 3 ईयर्स हो गए हैं। बजाज क्लासिक का 750 वाट का मिक्सर ग्राइंडर है और एक बार मैं ज़रूर इसको इस तरीके से डीप क्लीन कर देती हूँ। तो अभी देवर्ष स्कूल से आए नहीं थे, उनके आने का टाइम हो रहा है, लगभग 2:30-3 तक आएंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें अपना मॉइस्चराइज़र कलेक्शन। तो ये रहे मेरे पास 6 टाइप्स के मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन आप कह सकते हैं ये हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे है वाओ का मैंगो बॉडी बटर, और दूसरा है लैक्जीमा का बॉडी लोशन एलो हाइड्रेशन, और लैक्मे का पीच मिल्क, एंड वाओ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र, एंड बोरो प्लस दूध केसर बॉडी लोशन है, एंड हिमालय का बेबी लोशन। तो हर तरीके के, हर टाइप्स के ये हैं मॉइस्चराइज़र बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो सबसे जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें कजीमा का ये बॉडी लोशन। मैं सर्च कर रही थी, कुछ डिफरेंट लेना चाह रही थी, तो मैंने फ्लिपकार्ट पर इसको देखा, कजीमा का बॉडी लोशन, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और लेकिन जब मंगाया था तो थोड़ा सा मैं डरी हुई थी, पता नहीं कैसा निकलेगा, लेकिन जब ये इसको मैंने यूज़ किया तो रियली इट्स अमेजिंग। एंड बिल्कुल भी इसमें ग्रीसीनेस नहीं है, ऑल स्किन टाइप है और इसमें कोई भी पैराबिन नहीं है, एंड नो मिनरल ऑयल है और बहुत ही अच्छा है। और ये लगभग 24 आवर्स तक स्किन एकदम मॉइस्चराइज रखता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सूट किया। मैं तो इसको फेस पर भी यूज़ करती हूँ, एंड ये यूनिसेक्स है, मैन वुमेन सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है, इस पर MRP 235 रुपीज़ दिए, बट मुझे 180 के आसपास कुछ मिल गया था। एंड अब सेकंड नंबर पे आता है लैक्मे का पीच मिल्क, बहुत ही माइल्ड मॉइस्चराइज़र ये है, ऑल स्किन टाइप है। एंड अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, बाहर निकलते हैं, तो बिल्कुल आप हल्का सा मॉइस्चराइज़र चाहते हैं, ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन नहीं है, तो यह बेस्ट है, ये एक सूट करेगा। और इसकी MRP जो है 349 है, कैसे कितने में मिल जाता है। तो और ये 200 ml की पैकेजिंग में आता है और स्किन को लगभग 12 आवर्स तक एकदम मॉइस्चराइज रखता है और ग्लोई लुक देता है स्किन पे, शाइनी और ग्लोई लुक देता है। और इसके बाद आता है ये वाओ का ग्रीन टी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप परेशान हैं कि कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तुरंत एक्ने हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, तो ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, एकदम एक्ने पिंपल्स नहीं होते हैं। और वाओ के प्रोडक्ट्स तो वैसे भी सभी बहुत ही अच्छे हैं, जितने मैंने यूज़ किए मुझे सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। और ये भी नो पैराबिन्स, नो सिलिकन्स, मिनरल, नो मिनरल ऑयल्स हैं इसमें। तो वैसे भी वाओ के प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री होते हैं एंड सूट्स ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। तो आपकी अगर ऑयली स्किन है तो बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से इस पर जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, नो डाउट, बिना किसी डाउट के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी MRP है वो 349 रुपीज़ है,
ये मैंने पर्पल से मंगाया था तो 250 के आसपास मुझे मिल गया था सेल के समय पर। और ये जो है एक्ने प्रोन स्किन के लिए है स्पेशली, तो और बैलेंस रखता है आपके स्किन का जो, जिसकी वजह से एक्ने निकलते हैं, स्किन में बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस नहीं आने पाता है, ऑयली नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छा सूट किया मुझे, बहुत अच्छा लगा ये मॉइस्चराइज़र। अब इसके बाद बात आती है ये बॉडी लोशन की। तो ये बोरो प्लस का दूध केसर बॉडी लोशन है, एवरेज है बॉडी लोशन है, जो कि हाइड्रेट रखता है स्किन को 5-6 आवर्स तक आराम से। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे भी मिल जाता है, इसमें MRP तो काफ़ी दी हुई थी बट 180-190 के आसपास मिल जाता है 400 ml। तो आप बॉडी पे स्पेशली यूज़ करने के लिए बॉडी लोशन एवरेज है। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये उसमें काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो उसके लिए ठीक है। हाँ, इसको लिखा तो 24 आवर्स तक का है लेकिन ये इतना नहीं चल पाता है कि। और इसके बाद बच्चों के लिए हिमालय का बेबी लोशन, तो ये बच्चे बड़े सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, हिमालय के प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बच्चों के लिए मैं ये वाला रखती हूँ। तो अपने बेटे के लिए हिमालय का बेबी लोशन, तो उसको अब बहुत अच्छा से वर्क करता है, कभी कभी मैं भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, स्मेल बहुत अच्छी है, और इसमें ऑलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये भी 400 ml की पैकेजिंग में आया हुआ है, मैंने 400 ml का मंगाया था, जिसकी MRP 290 rupees है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियो? डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वो अपलोड हो। तो ये है ऑल टाइम बच्चों के लिए बेबी लोशन। और इसके बाद बात आती है ये मैंगो के बॉडी बटर की। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी है, एकदम ड्राई है और फट जाती है, तो उसके लिए ये वाओ का बॉडी बटर बेस्ट है। और ये वैसे तो मुझे फ्री मिला था, मैंने जो पर्पल पे शॉपिंग की थी उसके साथ में फ्री प्रोडक्ट्स में मुझे मिला था, बट मैंने इसको यूज़ किया एंड रियली इट्स गुड फॉर ड्राई स्किन। स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपकी बहुत ज़्यादा ग्रीसी कर देगा, नॉर्मल स्किन के लिए भी ठीक है लेकिन ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। इसमें मैंगो की स्मेल आती है, मैंगो का बॉडी बटर है, फेस बॉडी सभी पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।